Once again, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about how to clean your rubber hexagon dumbbells. So, आपको मालूम ही है कि जो ब्लैक कलर के हेक्सागन डंबल्स होते हैं, अगर आप उसे रफली यूज कर रहे हैं, अगर आप फ्लोर के अंडरनीथ रबर मैट्स नहीं यूज कर रहे एंड आप उसे बहुत ऊपर की हाइट से थ्रो कर रहे हैं, तो वो टूटने का डर रहता है. उनके जो एज कॉर्नर्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो हिलने लग जाते हैं. तो पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपने डंबल्स की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप फ्लोर पे रबड़ मैट्स यूज करेंगे. सो मिनिमम जो रबड़ मैट के एमएम आप यूज कर रहे हैं, 20-25 mm अगर आप यूज कर रहे हैं, वो सफिशियंट है आपके डंबल को बचाने के लिए. जब आप फेंक रहे हैं वो टूटेंगे नहीं. अब हम बात करते हैं कि आपको मालूम है जो ब्लैक कलर्स के डंबल है रबड़ हेक्सागन, वो बहुत जल्दी डस्ट को कैच करते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो हेक्सागन डंबल्स हैं लाइफ लॉन्ग नए लगे, बिल्कुल शाइन करे, तो उस शाइनिंग को बरकरार करने के लिए आप 8 से 10 हफ्ते में एक बार ये एक आइडिया जो है वो अप्लाई करेंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियोस में या देखने में भी आपके डंबल्स अच्छे लगें, शाइन करें, तो आप 8 से 10 हफ्ते बाद एक बार अपने डंबल्स की केयर करेंगे, उसे क्लीन करेंगे. सबसे पहले तो डंबल्स को धूप में रख दिया जाएगा. नीचे कुछ भी चीज़ रख लो, ज़मीन पे मत रखना, क्योंकि फिर से मिट्टी की वजह से ये गंदे हो जाएंगे. तो एक स्प्रे आता है सिलिकॉन का, अराउंड 100 rupees का ये स्प्रे है. सो इसे हम रख के, एंड मेक श्योर गाइस, जब आप स्प्रे करेंगे अपना फेस कवर रखें, एंड जिस दिन धूप हो उस दिन ही आप अपने डंबल्स को ये करेंगे. हर तरफ से स्प्रे करेंगे, एंड अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रहने दें इसे. अपना फेस बचा के, नाक कवर करके. सो बहुत ज़रूरी है डंबल्स को क्लीन करना 8 से 10 हफ्ते में एक बार. इससे डंबल्स की लाइफ बढ़ती है. आप एक कॉटन का कपड़ा लेके अच्छे से, जब स्प्रे करने के बाद अच्छे से एक बार ही कपड़ा मार देंगे, ताकि जो फालतू की स्प्रे है वो उतर जाए और जो डंबल को जितनी चाहिए वो सोख लेगा. तो 10 से 15 मिनट के लिए धूप में छोड़ दें, एंड आपके डंबल्स एकदम शाइन करेंगे इसके बाद. सो 15 मिनट हो चुके हैं, अब आपको दिखाने जा रहा हूँ. एकदम शाइन कर रहे हैं, क्लीन हो चुके हैं डंबल्स. इवन कि मैंने सिलिकॉन से अपने आर्म ब्लास्टर को भी क्लीन किया है. सो ये मेरी अपनी ब्रांडिंग का है, श्रेडिट सिंह इक्विपमेंट सीरीज. सो ऐसे आप अपने डंबल्स को क्लीन करेंगे एंड उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं. सो ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू शाइन योर रबड़ हेक्सागन डंबल्स सो दैट दे विल लुक क्लीन एंड न्यू फॉर लाइफ लॉन्ग. सो इस तरह से आप अपने डंबल्स को क्लीन करेंगे. अगर आप स्टील या बाउंसर डंबल क्लीन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रोसीजर आप बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे. स्टील डंबल्स को आप सिंपली आप ड्राई क्लोथ के साथ क्लीन करेंगे, अवॉइड करेंगे गीला कपड़ा, ताकि वो रस्ट ना कैच करे. बाउंसर डंबल को भी आप सिंपली एक ड्राई क्लोथ के साथ क्लीन करेंगे. सो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं. सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर.